प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को पंजाब आ रहे हैं। वह डेरा ब्यास के मुखी बाबा गुरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर वह वहां रैलियों को संबोधित करेंगे। इससे पहले वह डेरा ब्यास में पहुंचेंगे। उनके आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। वहीं ब्यास के अधिकारी और जिला पुलिस को भी इस संबंधी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। चर्चा है कि वह डेरा ब्यास के मुखी से मुलाकात करने के पश्चात दरबार साहिब भी नतमस्तक होंगे। बता दें कि डेरा ब्यास के अनुयायी बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में भी है। डेरा ब्यास के मुखी गुरिंदर ढिल्लों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री हिमाचल में विभिन्न रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को सुंदरनगर और दोपहर बाद सोलन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 9 नवंबर को कांगड़ा और शाहपुर चंबी मैदान में चुनावी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री इसी दिन हमीरपुर के सुजानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनाव सभी 68 सीटों पर 12 नवंबर के एक चरण में होंगे। वहीं 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।